तो नमस्कार एंड वेलकम, मैं श्याम चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों यार, स्मार्टफोन्स तो हम यहाँ पे सभी यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो AIOS हो या फिर एंड्रॉयड मोबाइल। अब इन दोनों ही मोबाइल में एक ऐप इस वक्त बहुत ही वायरल हो रहा है और जिसका नाम है फेसऐप। फेसऐप को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसे कि ये हमारी प्राइवेसी को लीक करता है, हमारे फोटोज़, कॉन्टैक्ट, ईमेल, इंस्टा, फेसबुक, काफ़ी चीज़ों को लीक करता है। ये काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों क्या ये बात सच है? मतलब क्या सच में हमारे पे इस लीक हो रही है? तो ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये फेसऐप है क्या और ये काम कैसे करता है। फेसऐप एक फोटो एडिटिंग ऐप है जिसमें आप अपने चेहरे को काफ़ी ओल्ड लुक में भी ला सकते हैं, काफ़ी जवान लुक में भी ला सकते हैं और काफ़ी तरीके से फोटो एडिट की जा सकती है। दोस्तों ये ऐप एक AI बेस्ड ऐप है। अब AI यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर ये AI है क्या? AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंसानी दिमाग की तरह ही काम करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे मोबाइल के सामने कोई वस्तु रखें जो AI बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड है, ऐसे मोबाइल के सामने अगर आप कोई भी वस्तु रखते हैं कैमरा ऑन करके, जैसे कि आप कैमरे के सामने केला रखते हैं, तो वो आपको बताएगा कि ये एक केला है और इसका रंग कैसा होता है, वो भी आपको बताएगा। तो इसी प्रकार से फेसऐप काम करता है। फेसऐप ऑनलाइन काम करता है और जो भी आप फोटो अपलोड एडिट करना चाहते हैं वो अपने सर्वर पर अपलोड करके उसके बाद वो एडिट करते हैं, फिर हमें वापस मिलती है वो फोटो। कुछ इस तरह से फेसऐप काम करता है। तो इसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये हमारे जो प्राइवेसी है उसको लीक करता है, ये बहुत सी हमारे पर्सनल डाटा को भी लीक करता है। तो इस बारे में फेसऐप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये बताते हैं कि ये सिर्फ उसी फोटो को अपलोड करते हैं जो हम एडिट करना चाहते हैं, ना कि सारी फ़ोटोज़ को। रही बात एडिट करने, क्योंकि ये प्रोसेसर मोबाइल में नहीं हो पाता है इसे एडिट करने का, इसलिए वो इसे अपने सर्वर पर लेकर अपलोड करके उसे एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद ही हमें वापस दे देते हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जो फ़ोटो हम एडिट करते हैं, जो फ़ोटो इनके सर्वर पर अपलोड होती है वो 24 घंटे के भीतर अपने आप ही डिलीट हो जाती है, ये कहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सेफ ऐप है, क्योंकि ये एक रशियन ऐप है और आपको पता है रशिया की और USA की बिल्कुल नहीं बनती है। तो अब USA ने ये न्यूज़ फैलाई थी, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी सेफ ऐप है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप बाकी आप क्या सोचते हैं इस ऐप के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं तब तक के लिए। नमस्कार, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।